हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल आर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इनविटेशन। सरकारी जॉब इनविटेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है सबसे मेन और मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है और बहुत ज़रूरी भी होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हमारा जो कीबोर्ड होता है वो एक्सटर्नली हम वायर के थ्रू अटैच करते हैं, लेकिन जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं उनमें हमारा जो होता है वो हमारा साथ में ही अटैच आता है उसमें कीबोर्ड। तो कीबोर्ड जो होता है कॉमन वैसे तो इसके साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, डिजाइंस में आता है, डिजाइंस होते हैं अलग अलग, लेकिन सारे के सारे जो होते हैं सेम ही होते हैं मोस्टली। थोड़ा बहुत ही अंदर होता है जो मेन कॉमन जो यूज़ करते हैं वो करते हैं क्वेरिटी बोर्ड वाला, जिसके अंदर जो होता है जनरली 104 जो कीज़ होती हैं, टोटल 104 कीज़ होते हैं स्टैंडर्ड कीज़ जिनका मेन यूज़ होता है कीबोर्ड्स के अंदर। कीबोर्ड्स के अंदर क्या होता है, साथ ही साथ एक चीज़ और अच्छी होती है जिसके अंदर होता है कर्सर कंट्रोल की होता है। इसके अंदर जो है तो डुप्लीकेट यूज़र अलाउ करता है हमें न्यूमेरिक पैड के थ्रू। इस टाइप का होता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना वाला है जिसमें एरोज होते थे, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है जनरली जो स्टैंडर्ड होता है वो इसी टाइप का होता है। नेक्स्ट हमारा जो होता है इनपुट डिवाइस में वो होता है हमारा माउस। माउस भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। माउस में क्या होता है, माउस एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो एज अ पॉइंटर यूज़ करते हैं पॉइंट करने के लिए। कोई भी हमें अगर कमांड्स जो मेन्यू कमांड्स होती है, हमें अगर कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं उस पर अपना आइकन को मूव करते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर ये मूव कर रहा है ना कर्सर, ये कर्सर जो है माउस के थ्रू मूव होता है और जहाँ मुझे इसको कोई भी परफॉर्म करवाना है ऑपरेशन में उसको डायरेक्टली जाके बस एक क्लिक कर दूंगी। क्लिक करने से ही मेरा जो होगा वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। हमें स्क्रीन को छोटा या बड़ा करना है इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो यूज़ कर सकते हैं। अभी आजकल क्या हो रहा है, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट माउसेस भी आ रहे हैं, ऑप्टिकल माउस, लेज़र माउसेस जो मूवमेंट होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन जितने भी सारे विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी की सारी वर्क करती हैं माउस की हेल्प से ही। माउस ज़रूरी होता है, इस तरीके से दिखता है, वायर के थ्रू अटैच भी होता है, वायरलेस भी आते हैं माउस, दोनों तरफ के माउसेज आते हैं। जस्ट हमें पॉइंट करना है जो हमें जहाँ पर हमें जो भी फंक्शन परफॉर्म करना रहा है और उस पर क्लिक कर पॉइंट करने के बाद क्लिक कर देना है। कुछ फंक्शंस जो माउस के थ्रू होते हैं वो हमारे कीबोर्ड के थ्रू भी हो जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है एक्सटर्नली ही माउस का यूज़ करना। नेक्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन। लाइट पेन क्या करता है, लाइट पेन भी एक माउस की तरह ही वर्क करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि लाइट पाउन जो है हमारा कहीं भी मूव करने और डायरेक्टली हम स्क्रीन पर पॉइंट कर सकते हैं। हमने जैसे अपने फिंगर से करते हैं ऐसे ही लाइट पेन से करते हैं, डायरेक्टली लेंगे और जहां हमें परफॉर्म कराना है वहीं पर जाके डायरेक्टली, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारा होता है ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर का क्या यूज़ होता है, ऑप्टिकल स्कैनर का जो इस तरीके से दिखता है और इसका जो है जो हमारे बैंक्स में हम देखते हैं कि जो स्कैन करते हैं इमेजेस को वो उस स्कैन इससे होता है। इसमें हम कोई भी अपना डाटा, हमने जैसे कोई फोटोकॉपी कराते हैं तो उसमें स्कैन कराने के लिए हम अपने लाइक आधार कार्ड है उसको रखते हैं तो स्कैन कर लेता है, सेम टू सेम हमें कॉपी प्रोवाइड कर देता है। बार कोड रीडर के लिए होता है, हमें कोई बार कोड रीड करना है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी इन चीज़ों के लिए हम ऑप्टिकल स्कैनर का यूज़ करते हैं। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में क्या होता है कि टच स्क्रीन पैनल होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं डायरेक्टली हम स्क्रीन पे टच करते हैं। मतलब हमें कोई भी इनपुट देना है, जैसा कि मैं आपको एटीएम मशीन का एग्जांपल ले सकते हैं हम, जो एटीएम मशीन्स में होता है डायरेक्टली, कुछ मशीन्स में तो अभी भी बटन्स होते हैं साइड में, यहाँ पर कुछ चार बटन्स यहाँ होते हैं, कुछ चार बटन्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन कुछ मशीन्स में क्या होता है जैसे एसबीआई बैंक का अगर एटीएम यूज़ करोगे तो उसमें टच स्क्रीन का है। तो जहाँ पर हमें कुछ भी, जैसे हमें अगर बैलेंस इंक्वायरी लेना है तो हम डायरेक्टली उस पर पॉइंट करेंगे, टच करेंगे तो वो हमें बैलेंस का इंक्वायरी दे देगा। हमें अगर पिन कोड डालना है तो हमें पिन भी जो है स्क्रीन पर ही नंबर्स आते हैं उन पर ही टच करना होगा। कुछ एटीएम मशीन्स में क्या होता है कि हमें अलग से कीबोर्ड टाइप बटन्स होते हैं हमारे वहाँ पर नीचे, उसमें बटन्स पे हमें न्यूमेरिक पैड होता है उसमें नंबर्स को करना होता है। तो जो टच स्क्रीन पैनल होता है वो हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है।
माइक्रोफोन, माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जहां पर हम इनपुट कैसे लेते हैं, वॉइस के थ्रू एज ए इनपुट लेते हैं हम वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस के थ्रू हम अगर अपना कुछ भी डाटा दे रहे हैं तो वो हमारा कीबोर्ड के थ्रू लाइक टाइपिंग के थ्रू ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें एरर्स नहीं होते, हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाते हैं। टू टाइप्स के माइक्रोफोन्स आते हैं होते हैं, एक डेस्कटॉप माइक्रोफोन होता है जो उसमें इंटरनली फिट होता है, और एक हैंड हेल्ड होता है जो ये आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना है जिसे यूज करते थे, और एक इस टाइप का होता है। नेक्स्ट हमारा है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी सिमिलर टू माउस होती है, जैसा माउस दिखता है हमारा ऐसे ही होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें एक बॉल गिवन होती है, इस टाइप की बॉल होती है ये बॉल जो है हमारा रोटेट होती है या तो हमें थंब से, फिंगर से और पूरा अपना पाम से, ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें जैसे माउस में बटन्स होते हैं, इसमें भी बटन्स होते हैं जिन्हें हम टच करते हैं और क्लिक करते हैं, लेकिन इसमें एक फायदा ये होता है कि हमारा जो माउस होता है हमें उसके लिए स्पेशल एक प्लेन सरफेस की नीड होती है या फिर एक माउस पैड की नीड होती है जहां पर वो वर्क करता है। कुछ लैब्स में आप देखोगे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चे क्या करते हैं कि कॉपीज के ऊपर रख लेते हैं, ऐसे यूज करते हैं, वो नहीं यूज होता है, हमें प्रॉपर उसके लिए एक पैड की नीड होती है। लेकिन ट्रैक बॉल में ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रैक बॉल को आप कहीं पर भी रोक के यूज कर सकते हो, इवन आप अपने लैब के ऊपर भी रख के इसको यूज कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है, यूज करने में बहुत ही अच्छा है। और कुछ थोड़ा सा फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा है एज कम्पेयर टू माउस। इन सब रीजन की वजह से ही ट्रैक बॉल जो है आज के टाइम में पॉपुलर, और इससे डायरेक्टली पॉइंट भी कर सकते हैं, पॉइंट करके डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। तो दीज आर दी बेसिक डिवाइसेस ऑफ द इनपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आउटपुट डिवाइसेस। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।